हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूर चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ठीक है, या संयोजनवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत जो है व्यवहार सीखने की व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि व्यवहारवादी शिक्षा के व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक जो है वो वाटसन है, और व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो बिल्ली पर किए हैं, एंड पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध या कंडीशनिंग थ्योरी जिसे प्रतिबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं आता है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, एंड क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्नीकर स्किनर जिसे सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, उन्होंने चूहे पर किया, एंड प्रगलन या पुनर्बलन का सिद्धांत हल समीपता का सिद्धांत गुथरी, एंड इसके अतिरिक्त मैकडुगल वुडवर्थ वाटसन जो आते हैं, वाटसन जो खरगोश पर प्रयोग किया है, ये सभी जो आते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एंड तो आज मैं व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक के बारे सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। गेस्टाल्ट वाले सिद्धांत के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं थार्नडाइक का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, जिसे संयोजनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, ट्रायल एरर का सिद्धांत कहते हैं। तो इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स यानी यश और आर, इसलिए इसको यश और आर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत इस सभी की जुबान पे हो गया है कि इसको थार्नडाइक ने दिया है। तो पेपर बनाने वाला साधारण न बनाकर क्या साधारण बनाएगा, यानी कि वो कहेगा यस आर का सिद्धांत किसका है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, तो थार्नडाइक का। तो सबसे पहले हम थार्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। थार्नडाइक जो है पेरू देश की राजधानी लीमा के नागरिक थे, और इस सिद्धांत को उन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत उन्होंने 1898 में बिल्ली पर प्रयोग करके किया, ठीक है। इनके अनुसार जो उद्दीपक है यानी स्टिमुलस है वो अभिप्रेरित लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? भोजन को खाना, ठीक है। बिल्ली के यानी पिंजरे के बाहर जो भोजन रखा हुआ है वही उद्दीपक है, ठीक है। उसकी भूख जो उसको लगा है, ठीक है, उसकी भूख को और बढ़ा रहा है। भूख तो अभिप्रेत है यानी प्रेरणा है, ठीक है, भूख तो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के कारण ही वो उद्दीपक उत्पन्न हो रहा है भोजन के प्रति, ठीक है। भोजन को देखकर उसको उद्दीपक उत्पन्न हो रहा है, उसको ये जल्दी हो जा रहा है कि कम उसको प्राप्त करे, ठीक है। तो जो अभिप्रेत लक्ष्य है वह लक्ष्य ही उसका उद्दीपक है, स्टिमुलस है, एंड जो भोजन को प्राप्त करने के लिए वो पिंजरे के अंदर प्रतिक्रिया करता है, इधर से उधर करता है कि कैसे प्राप्त हो। तो जो जो भोजन है वो लक्ष्य है यानी वो उद्दीपन को बहा रहा है, एंड अनुक्रिया जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया है, पिंजरे के अंदर जो भी वो क्रिया करता है वो उसका अनुक्रिया हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। तो इसलिए इस थ्योरी को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी यस और आर का सिद्धांत भी कहते हैं, यस आर का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो भूखी बिल्ली जो है इसमें पिंजरे में रहती है, जैसा कि इनके सिद्धांत के अनुसार बाहर प्राप्त बाहर भोजन रखा हुआ होता है, जो लक्ष्य होता है उसका वो उद्दीपक का कार्य करता है, ठीक है। अंदर पिंजरे के अंदर जो है वो जो पिंजरा है वो उसका समस्या है, यानी पिंजरे में बंद है, पिंजरा क्या है, एक समस्या है कि वो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा है, ठीक है। तो कैसे कैसे सभी पुर्जे काम करते हैं, तो चलिए बताते हैं। भूख जो है उसका अभिप्रेरक है, भूख क्या है, उसका अभिप्रेरक है, ठीक है, उसका मोटिव है, ठीक है, जिसके कारण वो भोजन को देखकर और ही उसका अभिप्रेरक बढ़ता है। तो भूख जो है अभिप्रेरक है, एंड भोजन जो है उद्दीपक का कार्य करता है, एंड जो पिंजरा है वो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा है, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा है। और प्रयास क्या है,
कि उल्टे सीधे पंजे मार मार कर प्रयास करना, ठीक है, वो उसका प्रयास है, यानी कि वो रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया है। और लक्ष्य जो है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तो बता ही दी, जो पिंजरे से बाहर भोजन रखा हुआ है वो उसका लक्ष्य है, ठीक है। ठीक, और संयोग जो है क्या है कि संयोग बस सफलता मिलना, फिर संयोग बस उसको सफलता मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, संयोग बस सफलता मिल जाती है, उसके बाद सही प्रयत्न का चुनाव वो करती है, मतलब बार बार इधर से उधर प्रयास करती है उसको भोजन को प्राप्त करने के लिए। बट होता क्या है, एक उसमें लीवर यानी कि कुछ होता है पिंजरे के अंदर, जिसको दबाने से वो पिंजरा जो है, पिंजरे का दरवाजा जो है वो खुल जाएगा। तो बार बार प्रयास करने से वो सही प्रयत्न पर पहुंच जाती है, उसका पैर अचानक से, उसका पैर जो है एक बार उस लीवर पर पड़ जाता है जिसे दरवाजा खुल जाता है। तो इस प्रकार वो प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत है, बार बार प्रयास करती है, त्रुटि करती है, उसके बाद वह सही प्रयत्न पर जा पाती है। और सही प्रयत्न क्या है इसका, कि पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए उल्टे सीधे पंजे मारने पर लीवर पर पंजा पड़ना और दरवाजा खुल जाना, इस सही प्रयास का चुनाव बिल्ली द्वारा कर लेना, ठीक है, ये उसका सही प्रयास है। ठीक है, अब इस प्रयास में स्थिरता क्या आती है, स्थिरता ये आती है कि वह गलत प्रयत्न को छोड़कर सही प्रयत्न को सीख लेती है। जब एक बार सही प्रयत्न को सीख लेती है तो दोबारा जब उसके सामने यही कंडीशन आता है कि फिर से भोजन उसको रखा जाता है, तो वो दोबारा ये जान गई है कि अब इसको दबाने से ये दरवाजा खुल जाएगा, तो पिछले से अब नेक्स्ट टाइम वो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कम समय में उस भोजन को प्राप्त कर लेगी। अब फिर नेक्स्ट टाइम और कम समय में, फिर नेक्स्ट टाइम और समय में, यानी जितना भी अभ्यास करता जाएगा उसका जो कार्य करने की, जो सीखने की क्षमता है, गलती करने की क्रिया है, वो कम होता जाएगा। ठीक है, गलती करने की क्रिया कम होता जाएगा और वह कार्य सीख लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार इनका सिद्धांत सिद्ध होता है कि प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है, प्रयास करते करते, बार बार गलती करते करते, ठीक है, वो निश्चित लक्ष्य पर पहुंच जाता है, सही अनुक्रिया पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सीखने में हम निरंतर प्रयास करते हुए अपनी भूलों एवं गलतियों को कम करते जाते हैं। ठीक है, जितने बार भी हम एक बार गलती किए, दूसरे बार कम गलती किए, तीसरे बार कम गलती किए, इस तरह हम भूल और गलती कम करते जाते हैं और गलत अनुक्रियाओं के स्थान पर क्या कर लेते हैं, सही अनुक्रियाओं को व्यक्त करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार थार्नडाइक के सीखने के लिए मुख्य अनिवार्य चीज क्या है, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन, यानी उसको प्राप्त करने की अभिप्रेरणा होना चाहिए और पुनर्बलन, यानी बार बार गलती करो, बार बार भूल करो, फिर उसके बाद गलतियों को सुधारो, फिर सही अनुक्रिया पर पहुंचो। ठीक है, तो इस प्रकार उनका यह सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब जानते हैं कि थार्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है, कि आप कंफ्यूज ना हो जब एग्जाम में पूछा जाए कि थार्नडाइक के सिद्धांत को क्या क्या नाम दिया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसके अलावा इसको सिद्धांत को क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहले इनको संबंधवादी या सहसंबंध का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, संबंधवादी या सहसंबंध का सिद्धांत थार्नडाइक के सिद्धांत को बोला जाता है। एंड दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत। ठीक है, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक यस, अनुक्रिया आर। ठीक है, इस प्रकार इसको यस आर का सिद्धांत भी बोला जाता है, एंड प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तो बोला ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसे आप खुद छा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि ठीक सीखने के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, एंड यस आर का सिद्धांत किसका है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, संबंधवादी या सहसंबंध का सिद्धांत किसका है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल इसमें बन सकते हैं, या थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। ठीक है, तो इस प्रकार और कोई गेम का या किसी चीज का एग्जाम्पल देकर भी इनके सिद्धांत के द्वारा पूछ सकता है। तो दोस्तों ये था थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, जो आपको अच्छे से समझ जरूर आया होगा।
एंड वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट सिद्धांत हमारा होगा पावलोव का कंडीशनिंग थ्योरी, उसके बाद स्किनर का थार्नडाइक, इस स्किनर का सिद्धांत जो क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत होगा, उसके बाद कोहलर का सोझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत होगा, ठीक है। उसके बाद अधिगम के सीखने जो थार्नडाइक के जो सीखने की नियम है, गौर नियम, मुख्य नियम जो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम है, उसके अलावा जो गौर नियम है, एंड फिर अधिगम के सीखने के प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या है और स्थानांतरण के सिद्धांत क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका अभिप्रेरणा होगा, उसके बाद बुद्धि के प्रकार, बुद्धि परीक्षण होगा, उसके बाद ये स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी आपका समाप्त हो जाए। तो दोस्तों आपके मन में यदि कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।